ननकू के घर के आए। जब दहेज में मिली थी ननकू खातिर वाशिंग मशीन, वह वाशिंग मशीन अब यही आई है। अरे गोहार, या तो मोए घर के वाशिंग मशीन आए, यही का तो जल्दी से पकड़े का पड़ी, नहीं तो मोर मेहरिया मुझे जान से मार दई। हटा हटा मुझे जान दिया, मैं अपन वाशिंग मशीन पकड़ू जल्दी से। अरे मौत ही आगे कहां जा था भाई, जान दे वही का सबन का सामान भाई जार को उन्होंने ही पकड़ी दिया का सारे अपन वाशिंग मशीन के चक्कर मानी अपन जान दे का। नहीं मैं कोनो की बात ना मानियो, मैं जात हूं अपन वाशिंग मशीन पकड़े। तैयार जान दे, हटे छोड़ मुही, मोर वाशिंग मशीन वहां थी। आवत तू, मैं आवत तू ही पकड़े तपरे सिया। नारो नारो, मैं बच के आ गए बिटिया, देख मैं बच के आ गए सही सलामत। बापू ये खुशी के आंसू आए निकर जान दे, मैं देवी मैया से माने थे कि मोर बाप सही सलामत बच जाई ना, तो मैं 3 किलो लड्डू चढ़ाइयो। ठीक है बिटिया, 3 नहीं 5 किलो लड्डू चढ़ाई दे। हैं हाँ बापू, हाँ भाईया, कलुआ तो सब जन का बचा लीस। हाँ भाई बचा तो लीस भाई, अब रहाइश नहीं पड़ती आया को, इतनी जोर के भूख आ लागी को कुछ कहाँ का नहीं, मैं तो नहीं बता सकती कितनी जोर की भूख लागी। या बाढ़ का पानी कम हो जाए ना तो मैं सीधा खाना में टूट पड़ी हूँ। हम का खा ली ने भाई, हम हूँ का तो भूख लागी जब से था ठाड़ी है, जब से मैं ठाड़ी हूँ। या बाढ़ का पानी कम नहीं होता है, अया बता की कुछ बचा भी घर मानी अपने, कहो घर में पानी घुस गाओ, कहो घर हो टूट गए हुए। कलुआ दादू सब जने बच गए हैं, कोनो बचा तो नहीं है। अम्मा मैं सबन का बचा ली नो, कोनो नहीं बचो आज। दादूआ बहुत जोरन के भूख लागी, कुछ उपाय कर, खाना पीना का व्यवस्था कर। अम्मा भूख तो मऊ का लागी, पेट बहुत जोर से कुलकुलात है, बाढ़ के पानी के चक्कर में कहाँ से खाना पीना का इंतजाम करूँ मैं, तही बता। अबे तो सबन का बचा के फुर्सत भाई हूँ। दादूआ कुछ न कुछ कर, बहुत जोरन के भूख लागी, राइस नहीं पड़ती है। कलुआ इज द ग्रेट, कलुआ इज द ग्रेट, कलुआ ने सबको बचा लिया, कलुआ ने सबको बचा लिया। अरे ननकू। हाँ कलुआ भैया बता। अरे कुछ खाए पिए का इंतजाम कर रहे, भूख लागी। खाए का इंतजाम तो नहीं है कलुआ भैया, अगर पिए का हो तो बताऊँ। क्या पिए का, तो पास जूस है का, लदई दे। जूस नहीं है, या बाढ़ का पानी है, पी ले। अगर तुम और दोस्त ना होते ना तो यार बाढ़ के पानी में तो डुबा डुबा मरते हो। रुको तो कलुआ भैया, ये क्या खा पलंग जो बहत है? पलंग, ए ये पलंग मोर है, ये पलंग मोर है। दादू कलुआ मोए पलंग का बचा ले, दादू कलुआ मोए पलंग का। तो पलंग का बचा लू, पागल वागल हुआ का तुम लोग, मुझे सब मिल के मारे या चाहते हो क्या बाढ़ के पानी में? एक बार मोर पलंग बहा जाता है, मोर पलंग बहा जाता है, दहेज का पलंग है, सास ससुर बड़े प्यार से दीन थे मुई का। मोर पलंग, मोए सास ससुर बड़े प्यार से वह जमाने मानी 80,000 का पलंग, महाराजा पलंग मुई का दीन थे, अया बाढ़ में बहो जा रहा हूँ मोर 80,000 का पलंग। अरे कोनो पकड़ ले आई गुहार, गुहार दैया। मोर सास ससुर के निशानी बही जाती, बही जाती। आई गुहार दैया, मोर पलंग बही गा, मैं पर सास ससुर का क्या जवाब दैया। गुहार दैया। बापू नारो नारो ता भाई जान दे, दूसर ले ले बे, जान है तो जहान है बापू, तब बच गए 80,000 का पलंग भाई का कोनो बात नहीं आए। एक सारे का कितना टोटा फारत है 80,000 के पलंग में, जान बच गए वहाँ मैं खुशी नहीं आए, 80,000 का पलंग भाई का तो वहाँ मैं दैया को हार मारे पड़ा है। कलुआ एक था पलंग और बाहर चलो आवत है, और एक पलंग। ओ कलुआ दादू यह पलंग तो हमारा है, 30,000 रुपये का मैं खरीदे तो अपन मेहनत से, यही तो कम से कम पकड़ ले। कहा था बापू ता, का कहा था बता। दादू यह मोर मेहनत की कमाई के है, यही तो कम से कम बचा ले, 30,000 रुपये का खरीद देते हो। 80,000 का वह काका का पलंग भैया, तो तोर 30,000 रुपये का पलंग मैं पकड़ लूँ, अपन जान खतरे में डालू है भाई जान दे। आई गो आ दैया, मोर 30,000 रुपया का मेहनत की कमाई का पलंग बहिगा। सिंगार दान वाला पलंग बनवाए थे, शीशा वाला बहिगा मोर पलंग। डूब गा मोर पलंग डूब गा, 30,000 रुपया डूब गए। दादू कलुआ का हुईगा? आ बापू आ रोवत है, आ मा रोवत है, आ वा का 30,000 रुपया का पलंग बहिगा ना पानी मा। आ दादू पलंग का पकड़े कहन यही थे, है अब हम पढ़े कहे माँ, एक ही तो पलंग रहो वह बहिगा। मैं खरीद रही, शांत रहो। आइया सबन के घरन का सामान कुछ ना कुछ बह रहो है, कहूँ या बार माँ हम आओ घर का सामान ना बह जाए। भाई तो ही सामान बह के लागत थी, मुहि का तो लागत है कि मोर घर ही बहिगा हुई। एक पलंग और बहत है, नीला नीला क्या खाया? हाय दैया ये मोर पलंग बहत है, तो घर में तारा मार के आई थी, ये पलंग कहाँ से निकल के भागा हो? हाँ कोनो पकड़ लिया, पकड़ लिया कोनो मोए पलंग का, पकड़ लिया बही जाई नहीं तो पकड़ लिया। अब
जब पहले पकड़े का समय रहा तब तो ना पकड़े, और जब दूरी पहुंच गया आप कहती पकड़ लिया पकड़ लिया, अब को पकड़ी अपन जान जोखिम में थोड़ा ना कोनो डारी। मोर पलंग बही गे मोर आदमी मोर जान ले लई आई गो आर दैया अम्मा का बतायो अपन मलाई से आई रे मोर पलंग डूब गा मोर मलाई मुझे जान से मार दई गोवार दैया मैं का करू। आदमी का जान बचाओ मुश्किल है और तुम अपने अपने मरोती हो। वो कहा है एक कलुआ और कुछ बही के आवत है रे। अरे ये तो कोनो के घर के थिरी जाए। अरे गोहार ये तो मोर थिरी जाए डबल डोर का। अरे कोनो पकड़ लिया मैं फ्रिज के कोनो पकड़ लिया मैं हाथ जोर दू तुम्हें पाप पर आती हूँ। 60,000 रुपया की फ्रिज आवा मोर। काकी यहाँ लोगन के 80,000 रुपये की चीजें बह गई और तुम 60,000 रुपये में रोती हो। अरे गोहार भैया मोए बाप के चिन्हारी बह गए मोर बाप दवाई था डबल डोर का फ्रिज कहता बिटिया तो ही ठंडा पानी ज्यादा पिए का होता ना चल मैं तो फ्रिज दवा दू मोर बाप के चिन्हारी बह गए अब बाप मैं ठंडा पानी क्या मैं पियो। काकी हरा भगवान का शुक्र मनावा कि तुम लोगन के जान बची है, है? कमाल ही ना फिर ले ली ना कहू भागी जाती है का फ्रिज। कलुआ और कोनो का सामान बाहर चलवावत है अब कहा आवत है। अरे कलुआ ये तो वाशिंग मशीन है कपड़ा धो वाली। कपड़ा धो वाली या तो हमार न हो या क्या खे आए तुम तो मोरे घर के भी वाशिंग मशीन न हो के घर की आया। अरे या तो ननकू के घर के आए जब दहेज में मिली थी ननकू खातिर वाशिंग मशीन वह वाशिंग मशीन अब ही आई है। अरे गोहार या तो मोए घर के वाशिंग मशीन आए कहीं का तो जल्दी से पकड़े का पड़ी नहीं तो मोर मेरी मुही जान से मार दई। हटा हटा मुही जान दिया मैं अपन वाशिंग मशीन पकड़ू जल्दी से। अरे मौत ही आगे कहा जा था भाई जान दे वो क्या सबन का सामान बही जा कोनो नहीं पकड़ी थी आज क्या सारे अपन वाशिंग मशीन के चक्कर मानी अपन जान दे ये का। नहीं मैं कोनो की बात ना मानियो मैं जा तू अपन वाशिंग मशीन पकड़े तैयार जान दे हटे छोड़ मुही मोर वाशिंग मशीन बहा थी आवत हूँ मैं आवत हूँ तू ही पकड़े तो परेशान ना मैं आवत हूँ। अरे गोहार अब ननकू तक का कट डारे वाशिंग मशीन के चक्कर मानी अपन जान दई है सारे तार अब नहीं आवता तू ही चार को चू जा मोर चार जान चाहिए लेकिन मैं अपन वाशिंग मशीन पकड़ के रही हूँ। ननकू 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 अब का हुई चिल्लाए जब चिड़िया चुन गए खेत ससु पता नहीं कहाँ भैया दिखाई नहीं देता नदिया मानी मना करत तू पकड़े रहे हो कोटवा का कि ना जा ना कूद ना जा दूसर खरीद ली ने आहा जबरदस्ती कूद गा जबरदस्ती ले भैया पता नहीं कहाँ होए। भगवान तो से हाथ जोड़ के निवेदन है जहाँ भी ननकू होए हमार वहाँ ठिकाने से राखे। ये बर्तन के क्या बात है बर्तन काकी बर्तन मोरे आए होया बिटिया। हाँ काकी 5,000 रुपये के सेट खरीदे थे यू बही गए चला बही जाना का हुई दूसर खरीद लीन जाई। अब ननकू पागल की चक्कर से मैं अपन सामान ले के चक्कर में कूद थोड़ो दी कि अपन जान गवा दूं। सही यार बिटिया दिमाग का काम की ने ना कूदे 5,000 रुपया बही गए तो बही जान दे यहाँ आदमी के 80,000 रुपया बही गए हैं लेकिन ननकू के दिमाग ना रहा ससुरी 20,000 रुपया के वाशिंग मशीन के चक्कर मानी अपन जान गवा दी। भगवान देखे आत्मा का शांति दे। हाँ काकी सही यार तो भैया बहनी यारा तुमका एक बात बतावा चाहते हैं अगर आपके घर माँ गाँव मानी शहर माँ कहूँ भी बाढ़ आ जाए या तुम्हारे घर का सामान बहाए तो सामान करना पकड़ा आपन पहले जान बचावा भला। अबे हमारे ननकू का देखो ना सामान पकड़े की चक्कर मानी अपन जान गवाई पता नहीं जिंदा है कि मरगा कहूँ कोने कुतरे में पड़ा हुई पता नहीं कहाँ है, है? तो कबहू अपन सामान बचाओ की चक्कर मानी अपन जान का दाव न लगावा है हमार कहा भी यहाँ है और लोगन खातिर भी यहाँ समझावा थे न तो ठीक है अगर दिमाग में अगर घुस गई हुई बातें तो अच्छी बात है नहीं तो कोनो बात नहीं है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लागो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीन है चैनल में अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीन है और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। और हाँ भैया हरा तुम हमार लागत वीडियो देखते नहीं हो हमारे वीडियो में बहुत कुछ कमी रहती है ना तो भैया कमेंट में बताओ करें कि क्या कमी है तो वो पूरा करा कर भला चलो थी भैया जय हिंद जय भारत जय श्री राम।